हाय एवरीवन, माय नेम इज रिचा पांडे। वेलकम टू 7 मिनट ट्रिक्स। तो आज आप मेरे साथ देखने वाले हैं इनइक्वालिटी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाकी की जो क्लासेस होती हैं वो कैसे होती हैं। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप मुझे फॉलो करने के साथ साथ आप YT पर यानी YouTube पर मेरी क्लासेस कर सकते हैं। 11 o'clock से मैं करंट अफेयर्स की क्लासेस लेती हूँ मॉर्निंग में, एंड 12 o'clock पर आपको रीजनिंग एंड 5 o'clock पर लॉजिकल रीजनिंग की क्लास होती है। अगर आप वीकेंड पर मेरी क्लासेस करना चाहते हैं तो वाईफाई स्टडी पर आप मुझे कर सकते हैं मेरे साथ क्लासेस सैटरडे एंड संडे को 5 PM। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो क्लासेस होती है वो किसके रिलेटेड होती है, तो बैंकिंग, SSC एंड रेलवे से रिलेटेड होते हैं। बाकी अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं वो कॉमन होते हैं, तो उसके लिए आप अनअकैडमी लॉ पर मेरी क्लासेस कर सकते हैं। ये जो टाइमिंग दी हुई है उसी में आपकी क्लासेस होती हैं। अगर आप मुझसे कोई भी सवाल करना चाहते हैं या कुछ भी पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू रीजनिंग, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पर। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग बाय रिचा पांडे, यहाँ आप मुझसे कोई भी डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर आप बात करते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर क्लासेस की, तो वहां पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको स्पेशल क्लासेस मिलती हैं, वो आप कर सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, मेरा कोड यूज करना है RichaP10, ये मेरा कोड है, और इसके थ्रू अगर आप इसको कोड देते हैं यहां पर तो आप फ्री क्लासेस इजीली कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्लैट एसेंशियल, हमारी एक बैच लॉन्च हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट बैच है ये। इसमें टॉपिक जो है वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। जो भी टॉपिक उससे रिलेटेड है आप उसकी क्लासेस कर सकते हैं। ये बाइलिंगुअल क्लासेस चल रहे हैं, इसमें मैं लॉजिकल रीजनिंग की क्लासेस ले रही हूँ, जिसमें सारी चीजें मैं आपको बेसिक से हायर लेवल की बता रही हूँ, और जितने टीचर्स हैं सभी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे। ये 25 जून से स्टार्ट हो चुकी है और ये चलेगी आपकी क्लैट की एग्जामिनेशन तक। अब हम बात करते हैं इसके चार्जेस की। अगर आप लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन तो ऑब्वियसली बात है आप ले सकते हैं। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 19,000। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं देन यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट 17,325। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन 28,000, जो कि 25,000 में होता है अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं RichaP10। अब हम बात करते हैं अगर आप किसी में भी बैंकिंग, SSC, रेलवे या किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। RichaP10 मेरा कोड है, जिससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अब हम बात करते हैं इनइक्वालिटी में होता क्या है और ये कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये हमारे एग्जामिनेशंस में पूछा जाने वाला 5 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, ईजिली आप कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान से बस थोड़ी देर आप मुझे दीजिए, मैं आपको क्लियर करा दूंगी। अगर हम इनइक्वालिटी की बात करें तो टोटल 5 सिंबल्स का टोटल ये गेम है, जस्ट लाइक अ गेम, जिसमें आपको होता है ग्रेटर देन और लेस देन, जिसको हम लोग फर्स्ट के पोजीशन पर रखते हैं, फिर ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, जिसको हम लोग सेकेंड के प्लेस पर रखते हैं, एंड इक्वल टू को हम लोग थर्ड के प्लेस पर रखते हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के प्लेस पर रखें, तो ऐसा नहीं है। सारे लोग आपको डिफरेंट तरीके से बताते हैं, ये मेरा तरीका है आपको बताने का, जिसमें आप बिना पेन के यूज किए हुए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। I promise you, बस थोड़ा टाइम आपको लास्ट एंड तक वीडियो जरूर देखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं यहां पर जैसे होता है एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस आते हैं इनइक्वालिटी के, वो क्या किस फॉर्मेट पर आते हैं और उसको आप किस तरह से डिनोट करते हैं और देखते हैं। जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए ये सिंबल आता है, ग्रेटर देन का लेस देन आप ऐसे बोलते हैं, सपोज जस्ट लाइक एक्स लेस देन इक्वल टू या एस लेस देन या एस ग्रेटर देन, ऐसे आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर देखिए एक्स नॉट इक्वल टू का मतलब होता है कि ग्रेटर देन भी हो सकता है या लेस देन भी हो सकता है, यानी ग्रेटर या स्मॉल, तो एक्स नॉट इक्वल टू वाई। अब यहाँ एक्स और वाई की जगह पर पी क्यू आर एस ए बी सी डी 1 2 3 कोई भी सिंबल कुछ भी हो सकता है, वहां नहीं सोचना है, सिर्फ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सिंबल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ क्या है, लेकिन सिंबल अगर आप समझ लेते हैं क्या है, उसके रिगार्डिंग आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी आप कह सकते हैं ग्रेटर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। अब हम यहां पे बात करते हैं इसका मतलब होता है लेस देन इक्वल टू, आप कह सकते हैं एक्स लेस देन इक्वल टू वाई। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां पर कुछ फॉर्मेट दिए हुए हैं स्टेटमेंट के, एंड दिस इज योर कंक्लूजन। अब आप सोचोगे मैम इतने सारे स्टेटमेंट के एक ही कंक्लूजन कैसे, तो देख लीजिए जैसा मैंने सिखाया ना, ग्रेटर को हम लोग फर्स्ट वैल्यू देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल को सेकेंड वैल्यू देते हैं, और इक्वल को हम लोग थर्ड वैल्यू देते हैं। तो एक चीज हमें सबसे इंपॉर्टेंट इस पर ध्यान देना होता है कि सभी का सिंबल सेम डायरेक्शन में जाएगा तो रिलेशन बनेगा। तो यहां देख सकते हैं ग्रेटर ग्रेटर अगर हमारे पास फर्स्ट फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट ही आएगा, फिर इसमें फर्स्ट सेकेंड है तो भी फर्स्ट ही आएगा, सेकेंड और फर्स्ट है तो भी फर्स्ट ही आएगा, और थर्ड और फर्स्ट है तो भी फर्स्ट ही आएगा। समझ में आया? सेम अगर हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं, सेकेंड पैटर्न पर तो लेस देन वाला पूरा दिया हुआ है, तो इसमें भी क्या होता है कि कुछ भी है
अगर लेस देन यानी कि फर्स्ट फर्स्ट है तो फर्स्ट ही होगा, फर्स्ट सेकेंड है तो भी फर्स्ट होगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज है। यहाँ देखिए ये फर्स्ट वाला किसकी तरफ है, जेड की तरफ, तो यहाँ पर भी कंक्लूजन में भी ये फर्स्ट वाला किसकी तरफ होगा, जेड की तरफ। तो सभी में सिर्फ आपको यही देखना है, कंपेयर करना होता है, यानी फर्स्ट और थर्ड के बीच में भी कौन आएगा, किसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, फर्स्ट को। फर्स्ट और सेकंड में किसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, फर्स्ट को, इसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, इसमें इसको ज्यादा। उसी तरह से अगर मान लो कहीं पर सेकंड और सेकंड है तो सेकंड वाला, अगर कहीं पर सेकंड और थर्ड है, ठीक है, तो हम लोग किसको प्रेफरेंस देंगे, सेकंड वाले को। अगर कहीं पर थर्ड और फर्स्ट है तो हम लोग किसको प्रेफरेंस देंगे, फर्स्ट वाले को। बहुत सिंपल है। सेम उसी तरीके से आपके और भी फॉर्मेट होते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, यहां पर देखो ये सेकंड वाला और सेकंड वाला कौन आएगा, सेकंड वाला यानी x ग्रेटर दैन इक्वल टू z। तो अब x ग्रेटर दैन इक्वल टू को z को क्या कह सकते हैं, या तो x ग्रेटर है z से, या तो कह सकते हैं x इक्वल है z के। सेम उसी तरह से यहां देखो थर्ड है, यहां सेकंड है, तो थर्ड और सेकंड में किसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, सेकंड को। यानी कहेंगे ना x ग्रेटर दैन इक्वल टू z, या तो x बड़ा होगा या इक्वल होगा। सेम फॉर्मेट पर यहां पर भी लेस देन वाला फॉर्मेट है, यानी x लेस देन इक्वल टू y या लेस देन इक्वल टू जेड। तो इसमें देखो यहां पर भी सेकंड है, यहां पर भी सेकंड है, तो क्या आएगा, एक्स लेस देन इक्वल टू जेड, जिसको हम लोग ये कह सकते हैं, या तो एक्स लेस है जेड से, या तो एक्स इक्वल है जेड के। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जेड ग्रेटर देन एक्स, लेस बोल, एक्स लेस देन जेड बोलिए या जेड ग्रेटर देन एक्स बोलिए, दोनों बात सेम ही है। अब हम यहां पर देखते हैं, सपोज मान लीजिए सभी सेम डायरेक्शन में जा रहे थे तो रिलेशन बन रहा था, सारे सिंबल सेम डायरेक्शन में जा रहे थे तो रिलेशन बन रहा था। लेकिन अगर फेस एक दूसरे की तरफ हो अपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट लाइक लेस देन एंड ग्रेटर देन, तो रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश, जस्ट लाइक लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन, तो रिलेशन नहीं बनता है। सेम यहां पर देख सकते हैं, इन दोनों का फेस सेम डायरेक्शन में है तो कोई भी यहां कंक्लूजन ही नहीं निकलेगा, तो देयर विल बी नो रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे आपको स्टेटमेंट याद दिया हुआ है, एक्स ग्रेटर देन डी इक्वल टू जे, अब उसको कैसे बनाएंगे हम लोग, यहाँ पर ऑप्शन आपको पांच मिलते हैं। ठीक है, तो y और m में अगर आपको रिलेशन देखना है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये देखना है कि y और m के बीच में कितने सिंबल्स हैं। ठीक है, और सबका डायरेक्शन क्या सेम साइड में है, तो यस सबका डायरेक्शन सेम साइड में, यानी रिलेशन बनेगा। अगर अपोजिट साइड में यहां रहता ना y और m के बीच में तो नहीं बनता। ठीक है, लेकिन सबका सेम डायरेक्शन है इसलिए रिलेशन बनेगा। अब हम देखेंगे यहां पर इसका वैल्यू फर्स्ट है, इसका थर्ड है और इसका सेकंड है। अभी बताया था ना मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो इजी रहता है आपको देखने के लिए। तो अगर आप कंपेयर करोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस किसको लग रहा है, फर्स्ट का, यानी वो किसकी तरफ है, वाई की तरफ। तो आप कहेंगे ना फर्स्ट वाला यानी वाई ग्रेटर देन एम, तो ये हो गया ट्रू। फिर एम और V में देखना है, तो M देखो यहाँ है, V देखो यहाँ है। M और V में दोनों ही सिंबल सेम V के डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका वैल्यू है सेकंड, इसका वैल्यू फर्स्ट। सेकंड और फर्स्ट में ज्यादा किसको प्रेफरेंस देंगे, फर्स्ट वाले को, यानी कहेंगे ना V ग्रेटर दैन M। लेकिन अगर V इस तरफ है तो भी V ग्रेटर दैन M, कोई फर्क नहीं पड़ता इधर है या इधर है, कभी कभी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर बोथ ट्रू, यहां पर दोनों ही सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहां पर जो आपको क्वेश्चन दिया है वो क्या है, O और P में रिलेशन देखना है। तो P यहां देखो है और O यहां है। यहां तो पहले क्या देखेंगे कि सेम डायरेक्शन में है कि नहीं, यस सारे सिंबल सेम डायरेक्शन में है, रिलेशन जनरेट होगा। अब हम वैल्यू चेक करते हैं, इसका वैल्यू सेकंड, इसका थर्ड, इसका सेकंड। तो सेकंड और थर्ड में अगर कंपेयर करोगे तो ज्यादा वैल्यू किसको दोगे, सेकंड वाले को। यानी आप कहोगे ना O ग्रेटर दैन इक्वल टू P, तो अब ओ इधर हो या इधर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये फर्क पड़ता है कि ओ के साइड में ही ग्रेटर दैन इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला देखो हमारा ओ इस तरफ है, तो ओ के साइड देखो यहां ग्रेटर दैन इक्वल है, तो ट्रू हो गया। अब पी और एस में रिलेशन देखना है, ये रहा पी और ये रहा एस। पी और ए में अगर आप रिलेशन देखोगे तो यहां देखो ये फर्स्ट वाला, ये थर्ड वाला। तो फर्स्ट और थर्ड में अगर आप कंपेयर करेंगे तो किसकी वैल्यू ज्यादा, फर्स्ट वाले की, और वो किसकी तरफ घुमा हुआ है, एस की तरफ। यानी आप कह सकते ना एस ग्रेटर दैन पी, या तो एस इधर हो या तो इधर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क किससे पड़ता है कि सिंबल किस डायरेक्शन में है। यानी स्टेटमेंट में S बड़ा है P से, तो यहां भी S बड़ा होना चाहिए P से, लेकिन यहां क्या दे रहा है, P बड़ा है S से। इस वजह से सेकंड हमारा फॉल्स हो जाएगा और सिर्फ हमारा फर्स्ट ट्रू होगा। तो ऐसे ट्रिक्स के लिए आप रेगुलर मेरी क्लासेस कर सकते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट सेशन में जरूर लेकर आऊंगी इधर और बाकी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पर। तो अभी के लिए इतना ही गाइज, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके प्लीज शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।